हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माय सितंबर मंथली फेवरेट्स वीडियो। स्टार्टिंग में ही मैं इस महीने का मेरा फेवरेट एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये एक परफेक्ट गिफ्टिंग ऑप्शन है। एज वी ऑल नो, फेस्टिव सीजन इज ऑलरेडी हियर। मैं तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पर दुर्गा पूजा इज द मेन अट्रैक्शन, और दुर्गा पूजा तो अभी स्टार्ट भी हो चुकी है एंड उसके बाद है दिवाली, विच इज माई पर्सनल फेवरेट आई वुड से, क्योंकि दिवाली डेकोर, फिर फूल, दियाज, ये सब मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। बट एक्सेप्ट वन थिंग, विच इज दिवाली के गिफ्ट्स। आई मीन जस्ट लास्ट ईयर ही मेरे पापा के एक दोस्त ने एक शोपीस गिफ्ट किया है। नो ऑफेंस, बट शोपीस का मैं क्या करूँ। एंड देन मेरी एक फ्रेंड मुझे एक क्लच गिफ्ट किया। आई नो क्लच इज वेरी कूल एंड वेरी नाइस, बट उसमें एक आधार कार्ड भी फिट नहीं होता, सो दैट डजंट साउंड वेरी प्रैक्टिकल, राइट। एंड ओवर ऑल दिस मेरे पापा, आई लव यू पापा, बट स्वीट्स, इतना ज़्यादा स्वीट खाऊंगी तो मैं बहुत ही मोटी हो जाऊंगी, तो इतना स्वीट्स भी मैं नहीं खा सकती। इस बार के दिवाली के लिए आई वॉज सो स्केयर्ड कि मुझे कितने सारे स्वीट्स खाना पड़ेगा, फिर क्या क्या गिफ्ट्स आएंगे जो कि यूजफुल भी नहीं है और घर में एक कोने में पड़े रहते हैं। बट इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई व्हेन आई रिसीव्ड दिस गिफ्ट फ्रॉम माय वेरी क्यूट सिस्टर। मेरी दीदी ने मुझे ये गिफ्ट किया है, विच इज़ वेरी यूजफुल, स्टाइलिश एंड एक परफेक्ट गिफ्ट ऑप्शन है और वेरी अफोर्डेबल भी है। ज़ूक ब्रांड के मैंने कितने सारे बैग्स को आप लोगों के साथ शेयर किया है। ऑलरेडी आई हैव 3 बैग्स फ्रॉम ज़ूक एंड आई पर्सनली लव द ब्रांड बिकॉज दीज बैग्स आर वीगन एंड दीज आर पेटा अप्रूव्ड। And Zook is a proudly Indian brand with so many different designs and styles. So I love multiple designs from them. And मेरी दीदी ने मुझे जो ये gift किया है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं sling bag kind of person हूँ। मैं कभी hand bag नहीं इस्तेमाल करती, because I feel that's not my vibe. मुझे sling bags, backpacks काफ़ी अच्छे लगते हैं and this is a sling bag which is very spacious and I'm really sorry. मैं actually इसे इस्तेमाल मैंने करना start कर दिया है already, और ये clutcher यहाँ पर था क्योंकि मैं मेरे हर एक बैग में क्लचर एक रहता ही है, ताकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ, नो मैटर व्हाट हेयर स्टाइल आई एम डूइंग, मुझे अगर गर्मी लगे या फिर आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं इससे अपने हेयर को टाई कर सकती हूँ। और अंदर आपको ये वाला एक बड़ा सा चेन मिलता है, विच इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी बाय द वे, और अंदर एक कंपार्टमेंट भी है अलग से, जहां पर मैं ना जनरली मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं अलग से कैरी करती हूँ, क्योंकि फिर मैं अगर इस कंपार्टमेंट में एक साथ कैरी करूंगी तो मैं इसमें पानी भी कैरी करती हूँ कभी कभार, तो वो लीक भी हो सकता है एंड डॉक्यूमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस वाले में डॉक्यूमेंट्स कैरी कर लेती हूँ। एंड यहाँ पर मेरा भी वॉलेट है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने मेरे रिसेंट ऑफिस जो फंक्शन था ना, वहाँ पर भी मैंने इसे कैरी किया था एंड इट लुक्ड सो स्टाइलिश। मेरा जो ओवरऑल लुक था ना, वही चेंज हो गया था। सामने का ये जो कंपार्टमेंट है, ये दिस इज रियली स्पेशियस, तो यहाँ पर मैं रूम कीज वगैरह कैरी करती हूँ, और ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर कुछ कैश है, एक कार्ड है जो कि यू नो ऑन द गो किसी ने मुझे दिया तो मैंने इस यहाँ पर डाल दिया, फिर एक पेन मैं हमेशा कैरी करती हूँ, और एक मास्क है मेरे पास, तो ये जो ज़रूरत का सामान है वो मैं इस कंपार्टमेंट में रख देती हूँ। एंड दिस इज सो स्टाइलिश, आप इसके जो स्ट्रैप है ना, इसे एडजस्ट भी कर सकते हो, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। गिफ्ट करना ही है तो इस दिवाली चूज समथिंग यूजफुल, चूज समथिंग ज़ूक। नेक्स्ट, इस महीने मैंने 2 लिपस्टिक्स को ट्राई किया है, दोनों ही मेरा फेवरेट हो चुका है, माय गो टू लिप शेड्स आई वुड से। ये प्लम का है, ये मुझे पीआर में रिसीव हुआ था फ्रॉम प्लम गुडनेस, और इसका जो शेड है ना, वो एकदम लाइट कोरल काइंड ऑफ शेड है, जो मेरे स्किन टोन पर मुझे लगा था अच्छा नहीं लगेगा, बट टू माई सरप्राइज इट सूट्स मी सो वेल। मैंने इसे हल्का सा लाइटली अप्लाई करती हूँ अपने लिप्स पर, जस्ट इसका पिगमेंटेशन मुझे मिल जाए, दैट्स इट, एंड मैं डैब कर लेती हूँ एक्सेस को, एंड इट लुक्स द परफेक्ट न्यूड शेड फॉर मी। मतलब एकदम नो मेकअप मेकअप लुक में इस तरीके का शेड्स एकदम परफेक्ट हो जाता है। आई नेवर थॉट कि ये शेड मेरे स्किन टोन पर सूट करेगा, बट मैजिकली इट डिड एंड इट्स माई फेवरेट नाउ। नेक्स्ट जो शेड है वो एकदम परफेक्ट है फॉर दिस फेस्टिव सीजन एंड सुपर अफोर्डेबल ऑल्सो। ये इनसाइट मैट लिप इंक है। एक्चुअली इन लिपस्टिक्स के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे देख रही थी, यूट्यूब पर, तो मुझे लगा लेट मी ट्राई समथिंग, तो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट द शेड, बट मुझे ये वाला शेड अच्छा लगा। ये है 08 वाइल्ड कार्ड, बहुत अफोर्डेबल है, 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, मैंने अमेजन से इसे परचेज किया है।
द शेड इज वेरी प्रिटी। नेक्स्ट एक रैंडम चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ जो कि है ये टैल्कम पाउडर। ये है वाइल्ड स्टोन हाइड्रा एनर्जी फ्रेशनेस टैल्क। दिस रिटेल्स फॉर जस्ट 10 रुपीज। ऑन द गो है, आप ट्रैवलिंग के वक्त इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे अपने पर्स में रखना पसंद करती हूँ, अपने स्लिंग बैग पर, क्योंकि मैं कहीं पर जा रही हूँ ना, तो अचानक से कहीं पर कुछ बैड स्मेल वगैरह आ गया तो मैं बिल्कुल भी बैड स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं इस टैल्कम पाउडर को थोड़ा सा लेती हूँ एंड मैं ऐसे करके इसे स्मेल कर लेती हूँ या फिर मैं अपने हैंड्स पर वगैरह से लगा लेती हूँ एंड इट स्मेल सो गुड। एकदम फ्रेश एक स्मेल है, मुझे इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लगता है एंड एकदम 10 रुपीज़ का है। सो आई थिंक एवरीवन कैन अफोर्ड दिस बिकॉज, और हाँ, ये एज अ टैल्कम पाउडर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टैल्कम पाउडर्स आर एनी वे वेरी यूजफुल। नेक्स्ट मैं एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ जिसने मेरे मेकअप गेम को ही बिल्कुल चेंज कर दिया, बिकॉज आजकल मैं ना ही फाउंडेशन इस्तेमाल करती हूँ ना ही कंसीलर इस्तेमाल करती हूँ, सिर्फ मैं अपने स्किन केयर करती हूँ एंड उसके ऊपर अपने अंडर आई रीजन पर और पिगमेंटेड एरियाज पर सिर्फ इस पाउडर को इस्तेमाल करती हूँ। ये लूज पाउडर है फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स। इसे इस्तेमाल करने का तरीका मुझे पहले नहीं पता था तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि ये पाउडरी हो जाता है, बट एक्चुअली आपको ना इसे थोड़ा सा लेना है अपने किसी भी स्पंज में या ब्यूटी ब्लेंडर में और उसे डैब करना है जहाँ पर भी आपको कवरेज चाहिए उस एरिया पर एंड इट ब्लेंड्स सो वेल एंड ये इतना अच्छा कवरेज प्रोवाइड करता है। मैंने तो फाउंडेशन कंसीलर इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, मैं स्किन केयर करती हूँ, सनस्क्रीन इस्तेमाल करती हूँ एंड देन पिगमेंटेड एरियाज पर और अंडर आई रीजन पर इसे थोड़ा सा मैं अप्लाई करती हूँ एंड आई एम गुड टू गो। स्किन इतना फ्रेश दिखता है ना। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप मेरा मंथली फेवरेट्स वीडियो आप सबको अच्छा लगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। बाय।